चार जगह गए, वहाँ बोलते हैं कि बिहार के लिए कोई बस ट्रेन नहीं है, सब यूपी के लिए जा रहे हैं, तो हम तो पैदल चल रहे हैं, क्या करेंगे। सरकार के जिताने से क्या फायदा है, हम लोग का भूखा मरना है सरकार के जिता का। हम चल चलता था, देखता है नीतीश का वोट एक भी नहीं देना है। जहाँ भी गए हैं खाली यूपी का बस चल रही है, पांच बसें चल रही है, पांच ट्रेनें चल रही है, वहाँ से हम लोग का तो जलंधर में। औरैया हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में अब कैसे हैं हालात, इस वक्त रात आधी है, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, निकलना पड़ा, मजदूरों की समस्या है, देखने के लिए पहुंचे हैं कि क्या सिर्फ बातें हैं या हकीकत में भी कुछ है। इस वक्त जिस रोड पर हम मौजूद हैं, ये रोड इधर हरियाणा जोड़ती है और इधर दिल्ली को जोड़ती है, और यहाँ पर हरियाणा से आने वाली बसें लगातार दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, जो हरियाणा से बसें आ रही हैं वो लगातार आप देख सकते हैं। भैया कहाँ से आई है बस ये? नारायणगढ़ से जी। आप कहाँ से आए? पहले हम नारायणगढ़ से। कब आए थे यहाँ पे? यहाँ आ गए थे 3 बजे। 3 बजे? और अब अंदर खाना पीना खाया कुछ की नहीं? रास्ते में मिला। 3 बजे के बाद यहाँ पर नहीं मिला? नहीं मिला ये अभी तो। यहाँ पर नहीं। ये बच्चे भी हैं। भैया आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? राम लखन बाराबंकी। बाराबंकी से जाना है? बाराबंकी जाना है। हाँ जी। आए कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा से आए हैं। कितने बजे पहुँची थी बस? लगभग 3 बजे। 3 बजे। कुछ खाना पीना बस में मिला कि नहीं? अभी कुछ नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर ये स्थिति है कि 3 बजे बसें आ गई थी, अब अंदर जा रही हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि खाने के पैकेट यहाँ पर मिलने शुरू हो चुके हैं। इसे कहते हैं असर, खबर का असर। हेडलाइंस इंडिया की टीम जहाँ पहुँचती है वहाँ असर शुरू हो जाता है। ये आप देखिए, अब ये हम जानते नहीं कि कैमरे को देखने के बाद है, लेकिन अगर मैं थोड़ा आगे चलूँ तो बसों का रेला है। यहाँ पर बसें हैं जो लगातार लाइन है, जो इस तरीके से अंदर जा रही है। कम से कम एक व्यवस्था ऐसी है कि इन मजदूरों को रोका जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है, या आप समझिए कि एक जगह उनको टिकाया जा रहा है कि वो टिक कर यहाँ पर कम से कम खाना पीना। तो भैया कहाँ से आए? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से कितने बजे पहुँची थी बस? बस पहुँची थी 3 बजे। 3 बजे? हाँ। कितनी देर क्या किया? यहाँ लाइन में खड़े हैं। ज्यादा लंबी भीड़ है क्या? बहुत लंबी भीड़ है। लंबी भीड़ है। हाँ। खाना पीना कुछ नहीं है, अभी तो किसी ने नहीं पूछा। अच्छा। हाँ, पानी ले रहे हैं, यो रहा पानी अपना। पानी है? हाँ पानी है, खाने का पता नहीं। ट्रक तेज है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं। इन कंडक्टर से, भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार है जी, रोहतक से आए हैं। हम 2:30 बजे से यहाँ खड़े हैं और अभी तक हमारे को पानी तक के लिए किसी ने नहीं पूछा है, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी। हम तो जैसे भी हैं अपना पानी खाना लेके चले हैं, लेकिन जो बस के अंदर मौजूद सवारी हैं, पैसेंजर हैं, उनको भी पानी और खाना अभी तक नसीब नहीं हुआ है। और आप देखना चाहेंगे तो को सैकड़ों बसों की लाइन अभी तक खड़ी हुई है, लेकिन पता नहीं किस टाइम हमारे को यहाँ से फ्री किया जाएगा। आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? नहीं कुछ नहीं, अपना जो साथ में लेके आए थे रोटी पानी वो 2 बजे 3 बजे खाया था, उसके बाद हमें पानी तक नसीब नहीं हुआ। कहीं रास्ते में मिला कोई हैंडपंप वगैरह तो बांट रहे हैं। हाँ अभी बांटना शुरू किया है इन्होंने। अच्छा। लेकिन हमारे को कब नसीब होगा, हमारी तो गाड़ी का नंबर भी पीछे है, अभी सैकड़ों बस के पीछे खड़े हैं अभी। ज्यादा पीछे तक नहीं पहुँच पाए क्या? अभी सब जा रहे हैं सर, सब में जा रहा है, सब खाना खाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। सब खाएंगे। टोटल एक आदमी भूखा नहीं जाएगा यहाँ से, डेरे से। अच्छा। हाँ तो डेरे से कोई भूखा नहीं जाएगा, ये कोशिश इनकी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि बसों की लाइन बहुत है। और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए। इस वक्त कहाँ से आए हैं बाबू जी? लुधियाना से। किधर से कहाँ से? लुधियाना तो उधर से आते हैं। इधर से ऐसे होकर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक से आए हैं? ना, पैदल ले। हाँ कोई और बस नहीं मिली क्या? ना 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 ना। अब यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? आश्रम में। आश्रम का पता किसने दिया? पूछते आया हूँ। किसी ने बताया कि कम से कम रात वहाँ पर? कितने दिन पहले चले थे लुधियाना? चार दिन हो गया। चार दिन से लगातार चल ही रहे हैं बस, या और कोई सवारी वहाँ से नहीं मिली? आने नहीं मिला एक और। भैया डर नहीं लगा कि रात में ट्रक भी चल रहे हैं तेज, कि कैसे चलें कहीं? चलता हम लोग पैर थक गया है, क्या करें? आज 4 रोज हो गया, बेखाले रास्ता में मिलता है रोटी सूखा पकड़ता खा लेता है, क्या करें?
हम लोग कोई सुविधा नहीं है। कहाँ जाएंगे आप? हम लोग को जाना है बिहार, जाना है। हाँ जी, तीन जगह चार जगह गए, वहाँ बोलते हैं कि बिहार के लिए कोई बस ट्रेन नहीं है, सब यूपी के लिए जा रहे हैं, तो हम तो पैदल चल रहे हैं, क्या करेंगे? बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही है हमारे लिए, पैदल आए। सरकार तो कह रही है कि यार ट्रेनों की व्यवस्था हो रही है, कुछ ट्रेनों की व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है सर। हमारे रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और बोल रहा है कि इस दिन होगा उस दिन होगा, रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ, इस टाइम तो कोई व्यवस्था नहीं है। रूम से बोलता है भाग जा अपना देश पर जा, क्या कर, ये भी भूखा मरता है, घर पे भूखा मर। कौन सी जगह जाएंगे बिहार? हम लोग बेतिया जाना है, बेतिया जिला जाना है। बेतिया जिला जाएंगे हम। रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई और अब क्या उम्मीद है कि आप यूपी पहुंचे हैं कि यहां से कोई बस या ट्रेन आपको ले जाएगी आपके शहर? यहां से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग तो तय कर लिए पैदल जाएंगे। हम लोग तो जलंधर से 10 बंदे चले हैं, अभी तक हम लोगों का चौथा दिन है यहाँ। अच्छा, चौथा दिन है, वहाँ पे गए थे यार, फूल गया है। समझा जा सकता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, एक एक कहानी डराती है, बताती है कि कैसे परेशान हैं लोग। और ये देखिए जत्था का जत्था, कोई पानी की बोतल लेकर हाथ में है, कोई अपना बैग लेकर है, किसी के पैर की चप्पल टूट चुकी है, तो कोई किसी तरीके से बस जाता नजर आ रहा है। मजबूरी है, बदहवास हैं, समझ नहीं आ रहा कहां से वो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हेडलाइंस इंडिया की पड़ताल जारी रहेगी। मजदूरों पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या वाकई जो दावे हो रहे हैं वो सच में जमीनी स्तर पर भी करेंगे। सरकार के जिताने से क्या फायदा है, हम लोग का भूखा मरना है सरकार के जिता का। हम चल चलता था, देखता है नीतीश का वोट एक भी नहीं देना है। नीतीश जब वोट लेना होगा किसी सरकार को तो दूर से बस में बिठा कर ले आएंगे, लेकिन जब मजदूरों को लाना है तो कोई इतनी नहीं है, वैल्यू नहीं है। जहाँ भी गए हैं खाली यूपी का बस चल रही है, पांच बसें चल रही है, पांच ट्रेनें चल रही है, वहाँ से हम लोगों का तो जलंधर में जाता था, पुलिस भी डांटा गिराता है, भाग जा। जगह जगह मार्ग हमारा बाहर फुला दिया है। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की आखिरकार वो है कहाँ? उनकी बस ढूंढे मिली नहीं और पैर फूल गया चलते चलते। छाले लगातार हैं और बसों की कतारें हैं जो खत्म नहीं होने को आ रही है। 3 बजे से खड़ी है, कहीं चाय की व्यवस्था है तो कहीं खाने के पैकेट्स मिल रहे हैं। लोगों के ये भी आरोप हैं कि 3 बजे से खड़े हैं, मिला कुछ नहीं, चाय मिली तो कुछ आस। भैया चाय मिल गई? हाँ जी मिल गई। कब मिली, कितनी देर बाद? 2 बजे के बाद मिली है। 2 बजे खाना पाना खाया कि नहीं? खाना तो साथ में ले रहे हैं, वही साथ में लाए हैं, खाना जो अपना लाए हैं वही मिल रही है। लेकिन चाय पर अब कम से कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो चाय लेने आए हैं, और ये छोटा बच्चा जो चाय और खाने का पैकेट ले जा रहा है। चलिए उम्मीदें ज़रूर हैं। आप ये समझिए कि कोरोना के इस महामारी के काल में किस तरीके से लोग परेशान हैं, और तस्वीरों के जरिए आज आप समझ सकते हैं। इसीलिए हमें रात में निकलना पड़ा, दिखाना पड़ा कि आज सोने से काम नहीं चलेगा, आज इन लोगों की नींद भी देखनी पड़ेगी जो लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं ये तस्वीरों में। ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे, कोई दूध पीता हुआ, कोई मच्छरों में। लेकिन खैर हमारा कैमरा आया तो अब अंदर इनकी व्यवस्था बननी शुरू हो गई। पता नहीं कब से बैठे थे, लेकिन अब व्यवस्थाओं के ज़रिए ये दिखाई देने लगा कि कम से कम रास्ता मिल गया जाने का। कब से बैठे थे भैया? कब से बैठे थे यहाँ? आधे घंटे से ये बैठे थे। चलिए अब अंदर जा रहे हैं। और अंदर बेटा क्या नाम है? पीयूष। कहाँ से आए हो पीयूष? आजमगढ़ से। ये आजमगढ़ से आए हैं और ये जा रहे हैं। महिलाएं हैं, सर पर सामान है। कहाँ से आए हैं जी? सहारनपुर से। हाँ। तो ये सहारनपुर से ही हैं। ये देखिए जा रहे हैं, ये छोटा बच्चा, ये लोग लाइनों में कतारों में बैठे हुए थे। कहाँ जाएंगे? अभी बता रहा हूँ, अभी लुधियाना से आ रहा हूँ। लुधियाना से? हाँ। ये वही हैं जिनसे हमने बात की, और ये लुधियाना से चलते चलते यहाँ पर आए। खैर कैमरा आने से इतना तो हुआ कि इन लोगों को अंदर सोने की जगह मिल जाएगी। अब जब रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं, उसके बाद की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोग। बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। बाबूजी आए? आप भी लुधियाना से आए हैं? लुधियाना। कुछ रास्ते में कुछ नहीं मिला, पैदल ही चल रहे हैं? पैदल कोई भी नहीं मिली, एक 2 मान लो किलोमीटर का गाड़ी नहीं मिली। घर में बच्चे याद कर रहे होंगे, फोन कर रहे हैं कि? सब रो रहे हैं, मान लो फोन कर रहे हैं, कहाँ हो कहाँ नहीं पड़े।
तो बता दिया कि हम पैदल चल रहे हैं। बता दिया, पुलिस वाले मिल जाते हैं, खेतन खेतन निकल के आते हैं, के करें, पानी भरा हो या नदी हो कुछ भी हो, जमुना जी पैर के आए हैं। जमुना से तैर के आए हैं? जमुना जी से पैर के आए हैं। बॉर्डर में पुलिस लगी थी, बॉर्डर पर पुलिस थी, जमुना तैर के यहाँ पे पहुँचे। ये तो इन लोगों का शुक्रिया है कि ये बसों के जरिए यहाँ पर लेकर आए। भैया कौन सी, कहाँ से आए हैं आप लोग? रोहतक से जी। रोहतक से कब से खड़े हैं यहाँ पे? मैं 5 बजे आया, खड़े हुआ था। 5 बजे आ गए और घड़ी दुगना टाइम दिखा गई। खड़े हैं ये भी, बसें लेकर आए होंगे, लेकिन उसके बाद अब कम से कम चाय का अनाउंसमेंट हुआ और अब चाय के लिए लोग लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो तब एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि चाय की जो चाय जहाँ लगी है, जो फ्री मिल रही है, उस पर भीड़ है नहीं, क्योंकि लोग इस वक्त चाय नहीं बल्कि अपना सफ़र ढूंढने आए हैं। किसी तरह से वो अपने घर पहुँच जाए। और लगातार हेडलाइंस इंडिया रिपोर्टिंग करता रहेगा ग्राउंड जीरो से, अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हरियाणा सहारनपुर बॉर्डर, हेडलाइंस इंडिया।